ये उमरा पे भी गए थे क्या? फोटो दिख रहा है, ये वहीं का क्लिक है ये। आई थिंक ये उमरा पर भी गए। यस, इट्स कंफर्म नाउ, उमरा पर गए थे ये। सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। गाइस, आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, जो कि है बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस, जो कि पाकिस्तानी है, जिनका नाम है आयज़ा खान .ak, इनका यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का। और इनकी आईडी में ढूंढ रहा था इंस्टाग्राम पर, मुझे एक और आईडी मिली थी जिसपे 2 मिलियन फॉलोवर्स थे, बट बाद में मैंने देखा कि यार वो तो इनका फ़ैन पेज है। यार मैं शॉक हो गया था एक बार देख कर कि यार एक फ़ैन पेज पर 2 मिलियन फॉलोअर्स, तो यार इनके रियल में कितने फॉलोअर्स है। तो गाइज़, रियल में 5.2 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं और ये खुद 336 लोगों को इन्होंने खुद ने फॉलो किया हुआ है। और आप देख सकते हैं मेरे भी कई पहचान वाले लोगों ने इनको फॉलो किया हुआ है। फहद मुस्तफ़ा वैसे मेरे पहचान के नहीं है, मतलब मेरे जो भी जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ उन्होंने भी इन्हें फॉलो किया हुआ है। सो गाइज, इनके बायो में लिखा हुआ है लेट्स यूनाइट फॉर पाकिस्तान, स्टे एट होम फॉर पाकिस्तान। सो गाइज़, अच्छा मैसेज दिया इन्होंने। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, घर में रहें, अपनी कंट्री को सपोर्ट करें, और आप इससे बेटर बेटर मौका नहीं मिल सकता आपको अपनी कंट्री को सपोर्ट करने का इतनी इजीली, वो भी सिर्फ आपको घर में रहना है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कोरोना ऐसा वायरस है जिससे हम अगर बाहर लेने जाएंगे तो ही वो आपके साथ अंदर आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा अंदर। तो बेटर है घर में ही रहे। फिलहाल हम ज़्यादा ज्ञान नहीं देते और देखते हैं इनकी प्रोफाइल, और मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इनकी प्रोफाइल देखने की, क्योंकि इनके हस्बैंड जो है दानिश तैमूर, जिनका अभी एक ड्रामा चल रहा है दीवानगी, वो भी मैं देख रहा हूँ। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं इनकी प्रोफाइल हमारे साइड में। और गाइस, पहला ही फ़ोटो इनके हस्बैंड के साथ है, यार बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है शाहजहाँ एंड मेहरू कमिंग टू योर स्क्रीन ऑन 3 अप्रैल ओनली ऑन हरपल जियो। अच्छा, ये इनका एक ड्रामा आ रहा है ना, मतलब मैंने कहीं सुना था, मुझे किसी हमारे फॉलोअर ने बताया था कि इन दोनों का एक ड्रामा आने वाला है साथ में हरपल जियो पे, तो देखते हैं। वैसे इसका नाम आगे मुझे हो सकता है पता चल जाए। और ये दोनों साथ में तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे रियल लाइफ कपल है, और रियल लाइफ में कितने प्यारे लगेंगे, ये ड्रामा देखते हैं हम तो पता चलेगा। आई थिंक ये फ़ोटो इनकी फैमिली का है। यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रो बैक टू माई बर्थडे ऑन द सेट ऑफ मेहर पोश When things were normal। अच्छा, जब सब कुछ नॉर्मल हुआ करता था तब इनका फ़ोटो था, इनका बर्थडे का फ़ोटो है। यहाँ पर इनका केक भी दिख रहा है मुझे, और इनकी पूरी ये ओवरऑल सेट पे जो फैमिली है इनकी सीरियल में, आई थिंक ये सब वो है। और डायरेक्टर भी मुझे हो सकता है डायरेक्टर भी हो इसमें, और मुझे लग रहा है ये इस ड्रामे का पोस्टर है। दोनों यार बहुत प्यारे लग रहे हैं, और दोनों एकदम थोड़े से डरे डरे से एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये ड्रामा थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, इंटेंस हो सकता है। देखते हैं यार, ये ड्रामे का ओएसटी पर मैं रिएक्शन करूँगा, अगर आ गया हो तो आप मुझे बताना। ब्यूटीफुल कपल स्टे ब्लेस, सबा फैजल का यहाँ पर कमेंट है। और यहाँ पर लिखा है शाहजहाँ और मेहरू, इसका मतलब इनका नाम शाहजहाँ है सीरियल में और आयज़ा खान का नाम मेहरू है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ड्रामा होने वाला है। मेहर पोश इसका शायद नाम है ना। सो गाइस, ये वाला फ़ोटो देखो यार, इनका बहुत ही प्यारी ड्रेसिंग लग रही है। वैसे इंडिया में जो लड़कियां गरबा खेलती हैं उनकी भी इस तरह की कुछ ड्रेसिंग होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है माय फेवरेट शॉर्ट फोटोग्राफी बाय शकील, शकील बिन फजल सॉरी। सो ये किसी ब्रांड के लिए इन्होंने शूट किया आई थिंक, और ज्वेलरी वगैरह भी सब बहुत प्यारा लग रहा है इनका। और ये फ़ोटो देखते हैं, ये मुझे लग रहा है किसी ऐसे रेस्टोरेंट का है, किसी रूफ टॉप रेस्टोरेंट का है। एंड ये छोटा सा वीडियो दिख रहा है मुझे, मैं देख लेता हूँ एक बार ईयरफोन्स लगाकर। ARY पर ये वीडियो आया है, थोड़ा सा हक का है। मैं, आप और चची जान, अगर हम सब मिलकर इस ताकत को जहानत से इस्तेमाल करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम। थोड़ा सा हक का मेरे ख्याल से एंड आ चुका है, मैंने पूरा ड्रामा देखा नहीं है, स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड देखे। इसके ओएसटी पे भी मैंने रिएक्शन किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अभी पूरा वीडियो मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि कॉपीराइट का पंगा है, तो मैं नहीं चाहता कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। सो ये इनका पोस्टर है, मेन पोस्टर तो यही है, कमिंग सून लिखा हुआ है।
मेहरपोश कमिंग सून, कहीं ऐसा तो नहीं ये इस ड्रामे में भाग कर शादी करते? देखते हैं, ड्रामा देख कर ही पता चलेगा ये कौन है। क्या मैसेज दिया उन्होंने, सो क्यूट, स्टे होम। आई थिंक ये इनकी डॉटर है, पता नहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इनकी डॉटर होगी ये। रियल लाइफ है या रियल लाइफ ये नहीं पता। यहाँ पर भी दो बच्चों के फोटोज़ मुझे दिख रहे हैं, इनकरेजिंग रीडिंग, इनकरेज रीडिंग। यहाँ पर भी दो बेबीज़ दिख रहे हैं मुझे, और मुझे लग रहा है ये इनके रियल बेबीज़ हैं। और देखते हैं नीचे और क्या देखने को मिलता है। ये फ़ोटो देखो यार, बोथ आर स्लीपिंग एंड ऊपर एक बेबी का फ़ोटो लगा हुआ है। वाह ये फ़ोटो देखो यार, ये भी इन्होंने ड्रामे के लिए शूट किया हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है मेहरू एंड शाहजहाँ, शाहजहाँ सॉरी शाहजहाँ नहीं शाहजहाँ। ये भी बड़ा प्यारा, इसमें बड़ी प्यारी केमिस्ट्री दिख रही है, बट दोनों बड़े उदास उदास से लग रहे हैं मुझे। पता नहीं क्या रीज़न होगा इसका, ये ड्रामा देखने के बाद पता चलेगा मेरे ख्याल से। ये देखते हैं ये क्या है, छोटा सा वीडियो है, प्ले कर दिया है। अच्छी लड़की है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। बहुत अच्छी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपनी आइकन सोची हुई थी। शर्मीली से मेहरू की मोहब्बत का नशा तो मेरी नस नस में समा। ओहो वो किसी और की होने जा रही, लेकिन मैं जानता हूँ उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही बसेरा होगा। Oh my God. कानों से सुनी उसके आशिकों की बातें, मैं अस्पतामी के दाग को अपने माथे पर सजा के जी लेता। इल्जाम लगा रहे मैं ऐसी लड़की नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। तुम जैसी लड़कियों की ना आदत ही ये होती है, निगाह में किसी और की होती है लेकिन दिल अपने आशिकों के बहलाती। नहीं मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे रहा हूं। फर्स्ट नाइट में ही डिवोर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रेलर लगा, मैंने देख लिया है, बड़ा कमाल लगा मुझे। मुझे लग रहा है इसका ओएसटी पे भी रिएक्शन मुझे करना पड़ेगा। जो मेन लीड है ये दोनों ही है, और इनकी ही ये एक्ट्रेस होने वाली है इस ड्रामे में, क्योंकि मुझे लग रहा है पहले फर्स्ट या सेकंड में इनको डिवोर्स मिल जाएगा उनसे, और फिर इन दोनों की स्टोरी चलेगी और हो सकता है वो विलन बन जाए। अब ये वाला देखो यार फोटो, क्या लुक लग रहा है इनका यार इसमें। किसी सैलून के लिए इन्होंने शूट किया ये, बहुत सब कुछ ब्यूटीफुल है यार। मुझे इनके कपड़े देख लो, इनके हेयर्स देख लो, इनकी ज्वेलरी देख लो, मेहंदी देख लो, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है इनके ऊपर। रिवीलिंग द सेकंड लुक फॉर हफ्सा खान सैलून। वाओ ज़्यादा नहीं चलाते, कॉपीराइट का प्रॉब्लम है आपको पता है। ये फोटोज ही देख लेते हैं ना। आयजा खान फैन फातिमा, इन्होंने कमेंट किया है कि बहुत प्यारी है। वाह मैं मारी जाऊँ शहजादी, इनको लड़कियाँ भी कितना पसंद करती है यार, लड़के तो करती है लड़कियाँ भी बहुत पसंद करती है, क्योंकि कमेंट्स में दिख रही हैं बहुत सारी लड़कियाँ बहुत। अब सेकंड फ़ोटो देखते हैं, वाओ व्हाट अ एक्सप्रेशंस यार, इनकी स्माइल तो किलर है यार, बहुत सुपर्ब गाइस। आयजा खान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार। ये वाला फ़ोटो देखो यार, वाओ यार माशाल्लाह एवर ग्रीन ब्यूटी। ये बात सच है, मैं काफ़ी दिनों से इनको देख रहा हूँ, एवर ग्रीन ब्यूटी है ये, बहुत दिनों से बहुत ही प्यारी लगती है और डे बाई डे और ज़्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही है। ये फ़ोटो भी सीरियल का, ये शाहजहाँ की मेहरू यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका सीरियल का ही फ़ोटो है ये, शूटिंग से शूटिंग के वक्त का। मांझे के साथ मतलब सीरियल में ये पतंग भी उड़ाने वाले, वाओ पतंग वाली केमिस्ट्री, दोनों पतंग उड़ाने वाले हैं। गाइज इनकी पहले की कुछ स्टोरी रही होगी मेरे ख्याल से सीरियल में, और बाद में इनकी शादी किसी और से होती होगी, किसी मजबूरी की वजह से मेरे ख्याल से शादी करती होंगी। ये वाला देखते हैं, हो सकता है कुछ पता चले। अब्दुल्ला कादवानी एंड अक्सा कुरैशी प्रेजेंट। पहली नज़र का प्यार है भाई, और वो भी दीवानगी वाला, जिनका ड्रामा ऑलरेडी चल रहा है दीवानगी। आवाज़ मैंने म्यूट कर दिए, कॉपीराइट इशू। यार ये कितनी प्यारी एडिटिंग हुई है यार, कितना प्यारा कितना कलरफुल लग रहा है वो एटमॉस्फेयर।
गाइस ज़्यादा नहीं देखते यार, कॉपीराइट प्रॉब्लम। ये ड्रामे का ओएसटी पे मैं पक्का रिएक्शन करूँगा यार। कब से स्टार्ट हो रहा है कमेंट करके बता दो मुझे। ये देखो यार, हिफ्सा खान सैलोन, ये भी उनके सैलोन का ही है। बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है यार। सिग्नेचर मेकअप बाय हिफ्सा खान। हिफ्सा खान इनकी भी प्रोफाइल चेक करना पड़ेगी मुझे, बड़े प्यारे मेकअप किए इन्होंने। वाओ यार, ये इन सीरियल का ही लग रहा है मुझे, लगा इनकी हल्दी फंक्शन का होगा सीरियल में, जब इनको हल्दी लगती होगी। इतना प्यारा लुक है यार, द हेयर लुक्स लाइक शी इज वियरिंग। अच्छा ऐसा है क्या, हो सकता है किसी ने कमेंट किया था। ये स्माइल देखो यहाँ पर, किलर स्माइल है यार, एकदम किलर स्माइल है, बहुत ज़्यादा प्यारा। जिनको, जिन लड़कियों को शादी करने का बहुत शौक है, उनको एक्ट्रेस बनना चाहिए, बार बार शादी करने को मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्रोफाइल है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है इनकी। ये सब फ़ोटोज़ मुझे लग रहा है किसी ब्रांड के लिए शूट किए हुए। वाओ, पूरा फोटो है, बहुत अच्छा क्लिक किया है जिन्होंने भी किया है। चलो और नीचे चलते हैं, फर्स्ट टाइम चेक कर रहा हूँ यार किसी की प्रोफाइल इतना लंबा। ये भी इनके सीरियल का ही दिख रहा है मुझे। इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट कपल है, और मेड फॉर ईच अदर ही लगते हैं जब भी इनको देखो, और अभी भी देख सकते हैं, रील लाइफ हो या रियल लाइफ, दोनों में ही मेड फॉर ईच अदर लगते हैं। बहुत ही प्यारी केमिस्ट्री लगती है इनकी मुझे। और नीचे चलते हैं, ये भी सब ब्राइडल लुक है, किसी न किसी ब्रांड के लिए उन्होंने शूट किए। ये सेल्फी देखो इनके फैंस के साथ, वाओ यार, फैंस का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है यार सेलिब्रिटीज़ को। ये मेरे पास तुम हो के टाइम के पोस्ट है यार गाइज, मेरे पास तुम हो के बाद तो मैं इनका और भी ज़्यादा बड़ा फ़ैन बन गया हूँ। और नीचे चलते हैं हम, ये उस शो का फ़ोटो दिख रहा है मुझे जिसमें ये आई थिंक लास्ट एपिसोड में, ये लास्ट एपिसोड के प्रमोशन के लिए आए थे इस शो में, हाँ उसी का है, उसमें वाइट ड्रेस ही पहनी थी इन्होंने। और ये इनका वेस्टर्न लुक, देसी लुक हो या वेस्टर्न लुक, दोनों में ये आउट क्लास लगती, बहुत प्यारी, बहुत ज़्यादा। और नीचे चलते हैं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये फ़ोटो तो देखकर लग रहा है कि मतलब खजाना हाथ लग गया। बहुत ज़्यादा प्यारा फ़ोटो यार गाइस, बहुत ज़्यादा प्यारा। और भी फ़ोटो है इनके, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है यार, वाओ यार, इतने खुश लग रहे हैं साथ साथ, अल्लाह इनको और खुशी दे। गाइस फोटोज़ इनके बहुत सारे हैं, ये उमरा पे भी गए थे क्या, फ़ोटो दिख रहा है, ये वहीं का क्लिक है, आई थिंक ये उमरा पर भी गए, यस इट्स कंफर्म नाउ, उमरा पर गए थे, उमरा पर गए थे हज पे, आई डोंट नो, बट गए ज़रूर थे, बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो गाइस पूरी प्रोफाइल मैंने ऑलमोस्ट चेक कर ली है, बाकी के पोस्ट बहुत ज़्यादा पुराने आ गए। सो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा यार, मैंने इनकी प्रोफाइल देखी, मुझे बहुत मज़ा आया, और मुझे 14 मिनट पता नहीं चले, 15 मिनट हो चुके हैं इनकी प्रोफाइल देखते हुए, और बिल्कुल भी पता नहीं चला मुझे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार, पहली बार मैंने देखा किसी का प्रोफाइल इतना ध्यान से, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी और किसी और सेलिब्रिटी की प्रोफाइल इस तरह से चेक करूं, रिएक्शन करूं उस पर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा रिस्पांस आता है इस पोस्ट पर, तो मैं आगे भी और सेलिब्रिटीज़ के इंस्टाग्राम प्रोफाइल ज़रूर चेक करूंगा। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, चाहो तो आप मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं यार, मेरी भी प्रोफाइल चेक कर लो इंस्टाग्राम की, मेरी प्रोफाइल आईडी ये सामने आपको साइड में दिख रही होगी, कई बार आपके सामने आई होगी, तो आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना इंस्टाग्राम पर। सो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।